So what's up everyone, we are back to a new video of Apar Anant Vlogs guys. So guys, आज आ चुके हैं एक और नए व्लॉग के साथ एंड इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं बनारस। तो अभी हमारे ट्रेन है 6 बजे की और अब बज रहे हैं कुछ 3 बज रहे हैं और हमें टैक्सी या लेने आई है जो कि हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगी एंड उधर से हमारी ट्रेन है। ट्रेन का नाम आपको आगे पता चलेगा, वही कौन बहुत ही स्पेशल ट्रेन है, वो वाराणसी तक जाती है। कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे क्या इस, ये बहुत ही लंबी ट्रिप होने वाली है और बहुत ही मजा आने वाला है इस ट्रिप में। 4 to 5 days की ये ट्रिप होने वाली है, तो व्लॉग को जरूर एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आएगा इस व्लॉग में। तो अभी हम आ चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड जो हमारी ट्रेन का नाम होने वाला है वो होने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है भाई। तो अभी हम आगे जा रहे हैं इंजन के साथ फोटो खींचने के लिए, इसका इंजन भी आगे से लुक भी एकदम। अभी देखो हमारी 6 बजे की ट्रेन है, अभी 20 मिनट रहते हैं। मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की किरण। तो अभी हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में, ये अपनी सीटें क्या मिली। तो अभी मैं ट्रेन में बैठती हूँ, यहाँ पर ट्रेन की फैसिलिटीज चेक कर लेता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। एंड यहाँ पर सबसे पहले एक सपोर्ट दिया गया जहाँ पर ब्रेकफास्ट ब्रूकफास्ट रख सकते हैं, एक वाटर बॉटल की स्पेस दी गई है एंड एक और स्पेस दी गई है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर चार्जर्स वगैरह रख लिए थे एंड यहाँ पर नीचे फुटरेस्ट भी दे रखा है इन्होंने। तो ट्रेन में बैठते ही हमारा स्वागत किया जाता है एक चाय एंड एक बिस्किट से। बट वेट यार, हम तो चाय पीते ही नहीं है, हमें तो चाहिए कॉफी भाई, कॉफी का इंतजाम करना पड़ेगा अब तो। एंड कुछ ही देर बाद हमें यहाँ पर अपनी कॉफी भी मिल जाती है। इस कॉफी में सिर्फ कॉफी नहीं होती, इसमें शुगर भी होती है एंड इसमें मिल्क पाउडर भी होता है। एंड यहाँ पर हमारा आ चुका है अभी ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में एक यहाँ पर छोले होते हैं भाई, छोले हैं तो कुलचे या भटूरे दोनों में से कुछ होगा, देखते हैं अभी क्या होएगा। यहाँ पर कटलेट्स भी हैं जो कि आलू के कटलेट्स थे, ये भी काफ़ी ठीक थे यार, ठंडे होते बस थोड़े। इसमें कुलचे होंगे शायद या भटूरे होंगे, कुलचे हैं भाई इसमें, छोले कुलचे भाई मज़ा आ जाएगा छोले कुलचे खाने में। पराठे भी थे आलू के, ये सैंडविच दही एंड केक हो गया, पराठे भी थे आलू के। एंड हमने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म किया ही होता है, वैसे नहीं किया होता है बट स्टिल यार भैया हमें यहाँ पर एप्पल जूस ला के दे देते हैं भाई, मतलब इतनी छोटी सी राइड में इतने मस्त मस्त रिफ्रेशमेंट मिल रही है हमें। आ गया। और भैया बताओ भाई, एक्सपीरियंस बताओ कैसा लग रहा है। पापा एक्सपीरियंस बताओ। पर पापा कह रहे हैं कि वो कौन सी ट्रेन थी उससे बेटर नहीं है। उससे बेटर कौन सी? शताब्दी से। अगली बार शताब्दी में चलेंगे। मेरे को तो बढ़िया लगा भाई, मेरे को भी बढ़िया लगा। तो अभी जो ट्रेन रुकी है वो रुकी है कानपुर स्टेशन पे और इसके बाद कितना भी 10:15 टाइम हुआ है तो अभी कानपुर रुकी है और 2 बजे तक बनारस पहुंच जाएंगे हम। 9 बजे तक? दो अच्छा 2 बजे तक बनारस भी पहुँच जाएंगे। अभी आ चुके हैं हम प्रयागराज एंड इधर से जो फूड होता है वो यहाँ पर ट्रेन में चढ़ता है जितना भी फूड होता है एंड करीब 1 o'clock तक हमें फूड मिल भी जाएगा एंड 2 o'clock तक हम अपना बनारस पहुँच जाएंगे, तो आगे का जरूर देखना। और अभी और मेंबर्स के भी हाल चाल देख लेते हैं क्या चल रहे हैं। और एक मिनट, हाल चाल ठीक ही हैं। तो अभी आपने क्या करा पूरे रास्ते? हमारे पापा नींद होगी, नींदे ठीक एक्सपीरियंस लेते हैं। ताऊ जी नहीं अलग ही हो गया कि मेरे को भाई शांति से सोने दो बस, परेशान ना हो। आदमी है करते भाई, हम तो घर से बाहर ही थे। अभी कुछ ऐसा सीन हुआ था कि 1-2 मिनट कानपुर पे ट्रेन रुकी थी और अनंत पीछे रह गया था। अनंत क्या सारे ही रह गए थे। प्रयागराज स्टेशन पे थोड़ी दूर बाद हमें अपना लंच भी दे दिया जाता है भाई। एंड लंच में हमें यहाँ पर मिलते हैं 2 चपाती, 1 मिक्स वेज एंड 1 येलो दाल एंड 1 शाही पनीर होती है, जो तीनों सब्जियाँ बहुत टेस्टी होती है एंड राइस भी होते हैं इसमें एंड दही तो आपको दिख ही रही होगी।
बाहर के नज़ारों और अपनी रिफ्रेशमेंट का मजा लेते लेते हमें पता भी नहीं चलता कब हम बनारस पहुंच जाते हैं। भाई ये है बनारस का रेलवे स्टेशन जिसे वाराणसी जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। रिक्शा ले ली है स्टेशन से तो अभी हम जा रहे हैं विजय मॉल के पास। विजय मॉल के पास जा रहे हैं, वहीं पे हमारा होटल है, देखते हैं होटल भी कैसा रहेगा, आपको जरूर दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। एंड अभी हम आ चुके हैं अपने होटल पे जिसका नाम है क्रीजेंट विला, होटल क्रीजेंट विला। एंड यहाँ पर ये रहा मैं आया था रिक्शा में एंड बाकी सब आए थे कार में। मैंने कहा अभी मैं आता हूँ रिक्शा पे, मैं मस्त अपना हवा का आनंद लेते लेते रिक्शा में आया हूँ, बाकी सब कार में गए थे। एंड ये है अपना रूम, मेरा अपार का और तुषार भी है। तो बड़ी है तो यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है, पानी की बोतलें हैं, तो लेस के पैकेट हैं, ये अमूल का डेरी क्रीम है, पता नहीं भाई क्या होता है, शुगर है, कॉफी के पाउच हैं, ये वो टी टू के हैं, कप भी बड़े हैं भाई, एक टीवी है भाई सोनी का छोटा सा है, और यहाँ चेयर्स भी दे रखी हैं। एंड ये अपना बेड हो गया, यहाँ पे बैग, ये एक बालकनी भी थी अपने रूम में जो कि छोटी सी बालकनी थी, इतनी ज्यादा कोई बड़ी तो नहीं थी, बट ये है कि भाई व्यू अच्छा क्लियर दिख रहा था। तो अभी अनंत उठ चुका है और सब ने रेस्ट रुस्ट कर लिया है, अब सारे रेस्ट नहीं किया है, अरे लेटे तो हैं सारे, मैं तो लेटा भी नहीं, मेरे को मौका ही नहीं दिया गया, सबने रेस्ट नहीं कर लिया, सबने रेस्ट। तो अभी हम फिर से बाहर जा रहे हैं और अभी टाइम कितना हो गया है, अभी टाइम हो चुकी है 5:00 हो चुकी है, अभी टाइम 5:30 हो चुकी है, लेट हो चुके हैं हम, तो देखे क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना, देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं 80 घाट जो कि बनारस का वन ऑफ द फेमस घाट है, टोटल 84 घाट्स में से यहाँ पर बनारस में टोटल 84 घाट्स हैं, एंड यहाँ पर बहुत अच्छी बनारस की आरती होती है। यहाँ पे पूरी पूजा होगी वो भी दिखाएंगे, बहुत बढ़िया पूजा होती है यहाँ पे कहते हैं, तो अभी देखते हैं कैसी पूजा होती है। वहाँ तक जहाँ आरती हो रही है पूरे घाट का नाम 80 घाट है, और हमारे नगर का नाम वाराणसी क्यों है, वाराणसी में भी 80 जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग जान रहे हैं। हमारे काशी में 5 नदियाँ बहा करती हैं, इसमें पहली नदी है वरुणा और अंतिम नदी है 80, और वरुणा और 80 को मिलाकर वाराणसी होता है, जिसका अपभ्रंश हिंदी वाराणसी होता है, इस नगरी का नाम वाराणसी है, उसमें वरुणा और 80 व्याप्त है। बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने सर्वे भवन तो सुखी ना, देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना।
तो अभी हम 80 घाट से होकर आ गए हैं और हम बहुत थक गए थे, तो 2 मिनट कमरे में आकर बैठे हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने। एंड अभी हम आ चुके हैं अपने होटल पे जिसका नाम है क्रिस्टल बाउल। एंड लंच करने के बाद हमने खाया कुल्लड़ पिज्जा। अच्छी वाली है क्या? बहुत खराब चाय। ये क्या ये किस लिए लिखा हुआ है? ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लिखा हुआ है कि लोग इससे अट्रैक्ट होकर आए, या इसका जानने का रीजन क्या है? तो भैया से पूछते हैं, भैया क्या खराब है जो आपको अपनी चाय खुद पसंद नहीं आती? चाय बहुत खराब है। चाय का नाम बहुत खराब है। चाय बढ़िया चाय पर। Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.